आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 वोल्ट की एक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है और 2 वोल्ट की एक अन्य बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, जैसा कि दिखाया गया है। एक हमारे पास 5 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, एक 2 वोल्ट की बैटरी जिसका प्रतिरोध 1 ओम है और 10 ओम के प्रतिरोध चित्र अनुसार जोड़ते हैं। 10 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा, मतलब हमें जो ये 10 ओम का प्रतिरोध है इसमें जो धारा बह रही है हमें वो ज्ञात करनी है कि वो धारा हमारे पास क्या आएगी, वो धारा हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी। तो हम इस प्रश्न को किस हिसाब से हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ से हमारे पास जो इस परिपथ में बह रही धारा है वो मान लीजिए I के बराबर है। वो हमारे पास किसके बराबर है, I के बराबर है। अब धारा हमारे पास, या फिर हम I1 बोल सकते हैं, I1 है, और इस ब्रांच में जो धारा बह रही है वो हमारे पास I2 है, क्योंकि ये हमारे पास धनात्मक पॉजिटिव पॉइंट है, तो यहाँ से धारा निकलेगी और ऋणात्मक है तो इसके अंदर धारा एंटर करेगी। तो यहाँ से धारा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे धारा क्या होगी, तो I1 हमारे पास आई थी, तो यहाँ पे धारा क्या आएगी, I1 में से I2 भाग चला जाएगा, तो यहाँ जो धारा बहेगी वो I1 माइनस I2 के बराबर होगी, I1 माइनस I2 के बराबर होगी इस ब्रांच में धारा। अब हम यहाँ पे किरचॉफ्स का नियम लगाते हैं। अब यहाँ पे पहले इस लूप पे बात करते हैं, इस लूप के लिए, इस लूप के लिए हमारे पास कितना है, यहाँ से अगर देखें तो 2 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी है, I1, ये जो धारा है I1 बह रही है। तो पहले हम लगाते हैं यहाँ पे जो किरचॉफ्स का KVL होता है, जिसको हम KVL बोलते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। तो पहले लूप के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास, इस लूप की बात कर रहे हैं हम, वो हो जाएगा 2I1 जमा में, और ये हमारे पास है 10 ओम, 10 ओम में क्या है I माइनस I1 माइनस I2 बराबर होगा कितना वोल्ट है, 5, 5 के बराबर है। तो यहाँ से 10 की 10 से गुणा करी तो यहाँ पे आ जाएगा 12I1 और ये हो जाएगा 10I2 माइनस का 10I2 बराबर हो जाएगा 5 के, बराबर हो जाएगा ये 5 के। अब इसी प्रकार मैं बात करता हूँ दूसरे इस वाली ब्रांच की, इस ब्रांच में क्या होगा, इस ब्रांच में प्रतिरोध कितना है, 1 ओम, प्रतिरोध इसमें 1 ओम है, तो 1 कितना होगा हमारे पास, इसमें हमारे पास कितना है, 2, 1 ओम का प्रतिरोध है, तो यहाँ पे आएगा धारा इसमें है I2, तो 1 I2 माइनस का, अब जो धारा है हमारे पास इससे विपरीत है क्योंकि हम इस लूप में क्लॉकवाइज जा रहे हैं, लेकिन हम इस साइड गए लेकिन धारा इससे विपरीत है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 10 I1 माइनस का I2 बराबर हो जाएगा 2 के। तो यहाँ से आएगा माइनस का 10 I1 प्लस का 11 I2 बराबर हो जाएगा 2, ये 11 है, 11 I2 बराबर हो जाएगा 2, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो समीकरण 1 है इसको हम 10 से गुणा कर देते हैं और समीकरण 2 को हम कर देते हैं 12 से गुणा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, और दोनों को हम कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद इसको हम 10 से गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 120 I1 माइनस का 100 I2 बराबर हो जाएगा 50, इसकी करते हैं 12 से, तो 120 I1 ये माइनस का है और ये 12 की हम इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 132, ये हो जाएगा प्लस 132 I2 बराबर 24। अब हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से काट दिया, तो अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से इसको हल करते हैं, सॉरी ये हमारे पास प्लस है, ये वाला माइनस है, हम इसको जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, उससे काफ़ी आसान रह जाएगा क्योंकि हमें जो ये I1 का जो पद है इसको ख़त्म करना है, तो दोनों को जोड़ दिया, कैंसिल, यहाँ पे कितना बचेगा 32 और ये कितना बचेगा 74, ये हमारे पास है I2, तो I2 का मान कितना आएगा, 74/32 एम्पियर, 74/32 एम्पियर, ये हमारे पास I2 आ जाएगा, I2 आ गया। अब हम बात करते हैं I1 की, I1 का मान, I2 का मान एक समीकरण में रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 का मान जो होगा वो होगा समीकरण पहले से 5 जमा में 10 I2 बटे में 12, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, I2 का मान हमने यहाँ पे रखा 74/72, तो यहाँ से सारा हल करने के बाद हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा 900/12×32, जो बराबर आएगा 75/32 एम्पियर। अब I1 का मान भी आ गया, I2 का मान भी आ गया, अब हम दोनों मान को क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं, I1 माइनस I2, क्योंकि हमारे पास इसमें कौन सी धारा बहेगी, I1 माइनस I2, तो I1 माइनस I2 हमारे पास क्या आएगी,
72/32 है, माइनस 74/32 74/32 32, तो कितना आएगा हमारे पास 1/32, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.03 एम्पियर। तो जो धारा होगी हमारे पास वो P2 से P1 की तरफ प्रवाहित होगी, क्योंकि हमारे पास ये इसका जो साइन आया धनात्मक आया है, जो धारा होगी वो P2 से P1 की तरफ प्रवाहित होगी। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।